अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। व्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखें, मैंने चिकन वगैरह उठाई हैं तो मोर आया देखने के। खाना डालो हमें, कोई फ्रेश, हम फ्रेश खाना खाते हैं। डाल रहा हूँ, टेंशन ना लो तुम। इसकी थोड़ी थोड़ी दोस्ती होती जा रही है मेरे से। पहले ये बहुत ज़्यादा घबराता था मेरे से, जैसे मैं इसके करीब जाता था ना तो ये जना था दौड़ने की करता था। अब जो है ना, आहिस्ता देखो, इसने ऐसे इंडिकेशन देनी स्टार्ट की है कि खाना डाल के दो हमें खाना। तो आहिस्ता इसके साथ और दोस्ती हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो डांस करके दिखा रहे हो हैं, ये देखिए डांस अपना बंद करो और ये लो। ये लो यार, आ जाओ खाना खा लो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तुम्हारी तो तुम्हें मैं अपने पास ही रखूंगा, तुम टेंशन नहीं लेने, तुम्हारे साथ दोस्ती करके छोड़ेंगे फुल वाली। देखें आहिस्ता आगे आ रहा खाना खाने के लिए। आ जा, हम लेके जाते हैं अपने कबूतरों के लिए दाना। देखिए सारे कबूतर उड़ उड़ के आ जाते हैं कि लो जी मिलने लगी रोटी में, मिलने लगी। देखो सारे अपने अंडों से उठे हुए, ये भी वो भी, यहाँ पे भी एक अंडा, यहाँ पे दो, यहाँ साथ वाले में भी दो। अंडों पे बैठो, अंडे ठंडे हो जाएंगे तुम लोग। ये देखें ब्लैक लक्का भी उठ के जो है ना वो भी रोटी खाने दौड़ के। हाँ भाई क्या सीन है, ये देखें इसने बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये मेरे ख्याल से लक्का बनेगा, क्योंकि इसकी टेल थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है मुझे। जो हमारे पास ब्लैक लक्के हैं ना, इन जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या निकलती है चीज़। ये बड़ा डिफरेंट सा कबूतर निकला हमारे पास। इसके पाँव पे फेदर्स भी लंबे वाले हैं, किंग कबूतरों के नहीं होते, और वाइट और ब्लैक दोनों कलर में हैं। और चोंच इसकी जो है वो कुछ अजीब सी है, चोंच इसकी शिरादी कबूतरों जैसी है, लेकिन हो सकता है ये शिरादी कबूतर जैसा निकला है जैसे हमारे पास हैं वो मुल्तानी शिराजी। ब्लैक है ना हमारे पास, ये फीमेल वैसा निकला है, लेकिन उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसके देखें पर बॉडी सेंटर से ब्लैक है, उसके पर वाइट है, बॉडी सेंटर से ब्लैक है और टेल ब्लैक है इसकी, लेकिन टेल वाइट है। तो कुछ अजीब सी चीज़ निकली है, कोई लक्के और शिराजी का क्रॉस टाइप सा लगता है। खैर हम जो है वो पानी है इनके पास भाई, तुम लोगों ने अंडे दे के इधर जो है ना अंडे ही अंडे किए हैं। मेरा इनक्यूबेटर आ गया ना तो फिर मैं ये सारे अंडे उठा कर ले जाऊंगा बटेरों के, और इनकी कैंडलिंग करूंगा, जो सही बचा हुआ तब तक उसको हम जो है ना इनक्यूबेटर में रख लेंगे, बाकी हम जो है ना डिस्कार्ड कर देंगे फिर। जितने भी मेरे पास कबूतर है ना, उन सारों में से जो सेंटिनल है ना मेरे पास, वो सबसे अच्छे बच्चे निकालते पालते हैं, और अंडों पे कंसिस्टेंटली उस फीमेल बैठी रहती है। ऐसे नहीं कि जैसे ये सारे फीमेलें उठ के आके इधर उधर फिर रही है ना अंडे छोड़ के, वो काम कम है। ये ब्लैक लक्के की फीमेल ने भी इस दफा थोड़ा ज़्यादा बैठ रही है, शायद बेबीज निकाल ही ले।
यार सबर कर लो तुम, सबर का फल मीठा होता है। ये देखो तुम्हारे लिए रोटियां भिगोई हुई हैं इनके लिए। गाइस आज भी इनके लिए रोटियां मैंने भिगोई हुई हैं, लेकिन थोड़ा लेट भिगोई हैं अभी, तो इसलिए मैं इनको बाहर नहीं निकाल रहा कि ये रोटियां खाएं आके बाहर निकल के, वरना मैंने इनको बाहर निकाल देना था। तब तक जो है ना हम बाकी सबको जो है ना वो दाना डालते हैं और फिर इनको खुला छोड़ेंगे। हाँ भाई बंटी बबली कैसे हो? ये देखो ये तो मारने आते हैं। मैं नहीं तेरी फीमेल उठा के, तेरी बेगम उठा के जो है ना दौड़ा कहीं, खाना डालने आता हूँ तुम्हें रोज। इधर ही उल्टाना पड़ना, इन्होंने बहुत ज्यादा काम घुसाया हुआ बीच में। इतना काफी है तुम दोनों को। चलो नेक्स्ट पार्टी के पास चलते हैं। हाँ भाई ब्लैक सिल्की, कल तो तुमने अंडा दिया था, आज अंडा कब देना है? हैं? आज कोई नहीं नजर आ रहा वैसे अंडा, अभी तक तो फिलहाल कोई अंडा नहीं नजर आ रहा, देखते हैं कब अंडा देती है। मैं कह तेरा बुरा हिला के देख लूं कि कहीं दिया तो नहीं हुआ फिर दबाओ कहीं। पहले तो गलती से मेरी नजर पड़ गई थी एक दफा तो मिल गया था। कल भी गाइस शाम को मैं सो गया था तो अगर इन्होंने अंडा दिया तो इन्होंने पी लिया उन्हें, अब तक सही सलामत वो नहीं बचा उन्हें। ये बहुत ज्यादा बदतमीज है। चलो अंदर चलो, ये लो खाओ पियो एंजॉय करो। तुम लोग क्यों पागल हो रहे हो, तुम्हें भी देता हूँ, तुम टेंशन में लो। अब हमने अपने असील जो है इनको भी नहीं कुछ नहीं डाला अभी तक, इनको डाल देते हैं। अब तो तुम्हें काफी बड़ा केज मिल गया है, ईद हो गई तुम लोगों की है, काफी घूम फिर रहे हो तुम हैं, ठीक हो। माशाल्लाह से हाइट चेक करें ये पीछे वाले की, बहुत ही ज्यादा हाइट में निकल रहा है ये, इससे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ भाई सट उधर देखे, मोरनी आके खाना खा रही है, मोर उसको डांस करके दिखा रहा है, कह रहा है तुम्हें मैं शो देता हूँ लाइव, एंजॉय करो खाना खाते हुए। इधर हमारे सारे कबूतर खाना खाने में बिजी हैं ऑलमोस्ट। हाँ भाई मुर्गियाँ तुम्हारी बारी आ गई है, ये देखें बदमाशी देखें इनकी, मेरे ऊपर जंपे नहीं लगानी, सब्र करो जरा। नहीं जी खाना डल गया, गोल्डी जाओ तुम भी खाना खाओ, मैं इधर अंडे कलेक्ट कर लूं। ये देखें जी हमारे देसी अंडे आ गए, ब्लू और पिंटर ने आज अभी तक अंडा नहीं दिया। गाइस ये हमारी जो गोल्डन बाफ है ये कुड़क हो ही नहीं रही, इसका क्या किया जा सकता है, पता नहीं इसने कब कुड़क होना है, अंडे पे अंडा दी जा रही है ये। इसका भी क्या किया जा सकता है, लोग तो सब खुश होते हैं कि मुर्गी हमारी जो है ना अंडा दी जाती है, अंडे दी जा रही, कुड़क नहीं हो रही, हम किसी और को कुड़क बिठा लेंगे या इनक्यूबेटर में से निकाल लेंगे, लेकिन हमारा अभी तक इनक्यूबेटर बन के आया नहीं ना, तो मैं जरा स्ट्रेस लूँ कि ब्राह्मा ही सिर्फ कुड़क पर बैठी हुई है।
तो क्या सीन बनेगा। ये भी अंडे पी जाती है, काफ़ी अंडे इसने ज़ाया कर दिए हैं, देखते हैं अब क्या करती है ये अंडों के साथ। किसी दिन जो है ना वो ब्रह्मा के अंडों की ना हम कैंडलिंग भी करेंगे और पता लगाएंगे कि कितने अंडे इसने ख़राब कर दिए हुए हैं, कितने ठीक हैं, कितने फर्टाइल थे, कितने नहीं थे। ये देखें आज भी इन्होंने एक अंडा क्रैक कर दिया भाई। ये देसी मुर्गियाँ जो है ना जंपे लगाने से बाज नहीं आती। ब्रह्मा हमारी के लिए आप देख लें दाना पानी दोनों पड़े हुए हैं। तो ये सेट है, अभी ये अंडे ना अपने एडजस्ट कर रही थी। मुर्गियाँ जो है ना अंडे हिला हिलो के एडजस्ट करती हैं दोबारा, तो ये कर रही है। थोड़ी देर तक हम आएंगे, अपनी मुर्गियों वगैरह को खुला छोड़ेंगे और इनको ये रोटी भी खिला देंगे। तब तक ये रोटी थोड़ी सी नरम हो जाएगी, ये इजीली खा लेंगे। ये 2 kg हमारे अभी तक टूटे हुए हैं और अभी तक हमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं मिला कि आप बाकी के तोड़ें या ना तोड़ें। तो जैसे ही हमें पता लगेगा हम भी आपको भी बताएँगे। तो देखते हैं आपको इस ब्लॉग में पता लगता है, अगले ब्लॉग में पता लगता है, कब पता लगता है। चेक करें हमारी गोल्डन बफ अभी भी अंडा देने के लिए बैठी हुई है। इन मुर्गियों को मैं बाहर निकालने लगा था ना, ये देख फटाफट आ गई है। धूप में सही नजर नहीं है। आ जाओ तुम भी बाहर आ जाओ, क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाओ रोटियां खाओ। वो देखें हमारी ब्लैक सिल्की का अंडा भी आ गया। पीछे हो जा बदमाश तेरा, तो बाहर जाने बड़ा दिल कर रहा है। जावा 2-4 नाल लड़ाई करके आवा। ये जी चेक करें अब आपको अंडों में पता लगेगा डिफरेंस। एक पूरा वाइट है, ये थोड़ा सा क्रीम से कलर का है अंडा है। ये फैंसी अंडा देसी अंडा नहीं है, ये गोल्डन बफ ने दिया उन्हें। दो रोटियां चल रही हैं, पता नहीं हमारी गोल्डन बफ ने कुड़क कब होना है, इसकी कुछ समझ नहीं लग रही। अंडे पे अंडा दी जा रही है। अगर आप में से किसी को पता कि इसका क्लच का साइज क्या होता है तो लाजमी कमेंट करके बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाओ खाओ एंजॉय करो। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है वो हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, आपको अपडेटेड रखेंगे कि इन पिंजरों के साथ क्या होना है क्या नहीं होना। और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।